वेलकम यू ऑल टू माई चैनल सोल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस स्कॉलरशिप के लिए, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अपलोड करने हैं। इसके अलावा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेडलाइन क्या रहेगी इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल लाइव दिखाने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल में आपको दिखाया जाएगा कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल थे, तब जाके आप वहाँ ही जो आपके ईमेल में लिंक दी जाएगी, आपने डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। ये सब जो है ये हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। इस स्कॉलरशिप में आपको 4 to 6 lakhs प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर योर एजुकेशन पर्पज ऑनली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम चैनल है सॉल्यूशंस फॉर यू, जहां पे हम आपके साथ जॉब रिलेटेड या कोई भी स्कॉलरशिप रिलेटेड या सर्टिफिकेशन कोर्स जो भी फ्री होते हैं, हम जो भी अपडेट्स है वो आपको वहां पे देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करना है। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस ओपन होगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2021-2022। इस स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। इसके अलावा आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स जो है आपने उसमें अप्लाई किया होगा। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो हम आपको दिखाएंगे जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो है वो वहां पे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा फॉर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स है, उनको अगर जेई मेन्स में 1 to 35,000 रैंक आई है, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीजी है, अगर उन्होंने गेट किया है तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने गेट नहीं किया है, उनका जो सीजीपी है वो 7.5 होना चाहिए। सीजीपी जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी टोटल परसेंटेज मार्क्स रही है अंडर ग्रेजुएट में, डिवाइड बाई 9.5। अगर आपको 7.5 आती है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स है, यहाँ पे 4 lakh ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री आपको दिया जाता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पीजी के लिए आपको 6 lakh दिए जाते हैं। यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे पासपोर्ट फोटोग्राफ करना है, एड्रेस प्रूफ आपने करना है, करंट रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ 10th 12th, अगर आपने जेई मेन्स किया है तब जाके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं तो आपने यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है मार्क्स कार्ड अपलोड करने की जेई मेन्स का। इसके अलावा बोनाफाइड आपने या स्टूडेंट आईडी जो भी है आपके, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आपने पीजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तब जाके आपको यहाँ पे जो यूजी का मार्क्स कार्ड है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा इसका जो डेडलाइन है वो यहाँ पे रहती है 14 फरवरी 2022। अप्लाई करने का आपने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में सबसे लास्ट में आपको आएगा एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेरी। अगर आप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अगर फॉर पीजी स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल पीजी की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपने उस पर टिक करनी है। उसके बाद अगर आपका गेट है, तब जाके आपने यहाँ पे टिक करना है। और अगर आपने का जो सीजीपी है 7.5 एबो है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो यूजीपी है, यूजी में सीजीपी है, वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, 7.5 मेरा है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट डिग्री करनी है, आप कौन सी डिग्री करते हो, मैं यहाँ पे एमटेक करता हूँ, मैंने वही डिग्री सिलेक्ट करी। उसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम कौन सा करते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ कंप्यूटर साइंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे डिग्री कोर्सेज, अगर आप इनमें से कोई भी करते हो आप उनके लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 50 जो है डिग्री वो यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन ड्यूरेशन करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे 2 year और 3 year जो भी है वो आपने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री और आई हेयर पे डिक्लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर कैप्चा कोड जो है वो आपको यहाँ पे जो है वह आपको यहाँ पे इमेज में दिया जाएगा।
उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी जो ईमेल है वो चेक करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे जो ईमेल आई है, डियर फैसल फिरदौस, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। दैट मीन्स ये जो पीजी स्कॉलरशिप रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मुझे ईमेल आई कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको डायरेक्ट जो ईमेल में है वो यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे जो लिंक है, आपने इस लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो यूजर नेम है वो देना है और पासवर्ड है वो देना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपने डायरेक्ट जो है वो लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको जो भी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन उस पर टिक करके आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जो आपको ईमेल में पासवर्ड दिया जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे जो है चेंज पासवर्ड कर सकते हो। आप अपने ईमेल पे जो है वो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका जो यहाँ पे करंट पासवर्ड है वो आप दे सकते हो। उसके बाद जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आप रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ तब जाके आप यहाँ पे रिसेंट ओटीपी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ओटीपी देके चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगी, योर लॉग इन पासवर्ड इज चेंज्ड, प्लीज लॉग इन विद न्यू क्रेडेंशियल्स। आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आपने जो है वो आपने यहाँ पे नए से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम, अप्लाई डेट, स्टेटस दिखाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे देनी है, जैसे कि नेम, सरनेम क्या है आपका, ईमेल आईडी, जेंडर देना है, मोबाइल नंबर देना है, टेलीफोन कॉन्टैक्ट अगर आपके पास है वो देना है, डीओबी आपने सेलेक्ट करना है, इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, रिलीजन क्या है आपका, मदर टंग क्या है आपकी, नेशनलिटी क्या है आपकी। उसके बाद आपने अगर आपके पास डिसेबिलिटी कोई भी है तब जाके आपको यहाँ पे उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एड्रेस डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो दे के आपने यहाँ पे जो एरो है उस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे रेफर डिटेल्स है वो देनी है। ये सबसे पहले आपने एकेडमिक डिटेल्स, उसका नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल देना है, डेजिग्नेशन देना है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस देना है। सेकंड में आपने क्या है कि आपने देना है कि टेस्ट पे योर कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, जो भी आप करते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि आप जो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका हेड का नाम, डेजिग्नेशन वो क्या है। इसके बाद जो है उनको ईमेल रिसीव की जाएगी कि जो स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी आपको क्यूरीज होंगे वो सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी जो है रेफरी ईमेल पे आपको जो है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स और पीजी जहाँ से भी आप करते हैं वो आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल्स फिल करके, या अदर प्रोफेशनल कोर्स और सर्टिफिकेट्स अगर आपने की है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस या अवार्ड जो भी मिले हैं आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ रही है आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। उसी तरह जो भी एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी ऑनर्स या अवार्ड्स आपको इंस्टीट्यूट या कहीं से भी मिले हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपकी कोई पब्लिकेशन है या कोई प्रेजेंटेशन है आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा करंट या प्रीयर स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो भी आपको दी जाती है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पे अपनी फोटो आईडी प्रूफ सबसे पहले या परमानेंट एड्रेस जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे फोटो अप्रूव करना है, करंट एड्रेस करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करना है, इसके अलावा फैमिली इनकम प्रूफ करना है, करंट रिज्यूमे करना है, मार्क्स कोड ऑफ 10th 12th आपने करना है, इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन वहाँ की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, इसके अलावा जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट इन करंट इंस्टीट्यूट आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ऐसे या आप खुद यहाँ पे लिख सकते हो नीचे, या आप पर्सनल साइट से जो आपकी पर्सनल साइट है वहां से आप अपलोड कर सकते हो। आपने अपने रिलेटेड जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस आपने यहाँ पे बताना है कि जो आपको स्कॉलरशिप है या डिग्री जो भी आपको है यहाँ पे बताता है, क्वेश्चन में बताता है कि डेवलप ए कॉम्पेलिंग जस्टिफिकेशन फॉर स्विंग डिग्री प्रोग्राम योर चॉइस, हाउ इज दिस स्कॉलरशिप एनेबल टू अचीव। ये आपको बताता है कि अगर आपको हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे
तो आप किसके लिए यूज कर सकते हो, तो वो सब चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में रिव्यू एप्लीकेशन आएगा, तो आपने रिव्यू एप्लीकेशन जो अपनी सारी डिटेल्स है वो फिल करके देखनी है कि कहीं भी कोई करेक्शन नहीं है। रिव्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपने जो है यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन जो है वो आप कर सकते हो। सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे जो नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन आता है, आप सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो। फर्दर जो इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपके ईमेल जो आपने प्रोवाइड की होगी या इनबॉक्स आपने जो भी कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया होगा आपको मैसेज में आएगा। ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा ऐसे ही वीडियो स्कॉलरशिप वीडियो जॉब वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।